हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कॉम्पिटिटर मोल्ड्स। ऐसी मोल्ड्स, ऐसी फंगस जो आपके कंपोस्ट में एज अ कॉम्पिटिटर ग्रो कर रही हैं, डिजीज नहीं है बट एज अ कॉम्पिटिटर ग्रो कर रही हैं। लास्ट जो हमने चार फंगस मोल्ड्स मोल्ड डिस्कस की वो डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस की। अब ऐसी कौन सी मोल्ड्स हैं जो आपकी कंपोस्ट में एज अ कॉम्पिटिटर ग्रो कर जाती हैं इंस्टेड ऑफ आपका एगेरिकस बायस्पोरस, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटर मोल्ड। कॉम्पिटिटर मोल्ड वो मोल्ड्स हैं जो आपने कंपोस्ट तो प्रिपेयर की है एगेरिकस बायस्पोरस के लिए, बट इंस्टेड ऑफ एगेरिकस बायस्पोरस आपकी दूसरी जो फंगस हैं वो ग्रो कर जाती हैं, नॉट एज अ डिजीज, एज अ कॉम्पिटिटर मोल्ड। सो ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम इंक कैप इसमें डिस्कस करेंगे। इंक कैप जो कॉज करती है वो है कॉप्रिनस स्पीशियस। कॉप्रिनस की अलग अलग स्पीशियस कॉज करती हैं, जिसमें कोमेटस और नीवियस सबसे कॉमन स्पीशियस हैं। उसके बाद इसका माइसीलियम फाइन ग्रे और ग्रे टू व्हाइट कलर का होता है। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज, जब माइसीलियम रन होता है एट दैट टाइम आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भी ये माइसीलियम एगेरिकस का है या ये माइसीलियम किसी और मशरूम का है और किसी और फंगस का है। जैसे ही ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है, जैसे आप देख रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑन एट वन ऑफ द फार्म, यहाँ पे बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये सारी फ्रूटिंग बॉडीज जैसे ही प्रोड्यूस होती हैं विद इन 12 आवर ये डीजनरेट कर जाती हैं और एक ब्लैक इंकी स्लाइम प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बेस पे ही हमने इसे इंक कैप का नाम दिया है। जो कॉप्रिनस स्पीशियस है, इंक कैप है, ये आपको पीरियोडिकली कई फॉर्म्स पे दिखने को मिल जाती है। कई बार तो किसी स्टेज पे जो मेरे सीजनल कल्टीवेशन करने वाले भाई हैं उनके फार्म पे आपको, जैसे मान लीजिए अभी हमने पूरी प्रॉपर कंपोस्ट तैयार भी नहीं हुई तो जगह जगह पे आपको ये देखने को मिल जाती है। कंपोस्टिंग फेज में ही हमें सीजनल कल्टीवेशन में ये देखने को मिल जाती है। ये कभी भी जो हमारा स्पॉन रन, अभी जब स्पॉन रन चल रहा होता है, अभी हमने केसिंग भी नहीं की होती, तभी ये अपीयर हो जाती है कंपोस्ट में। सो ये कंपोस्ट में अपीयर हो जाती है, जहां पे आपके बैग्स हैं वहां पे ये निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ये इंडिकेशन हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। इसके जो ब्लैक स्पोर हैं, सबसे पहले तो ये कॉनिकल पाइलस प्रोड्यूस करती है, जिसमें बाद में वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होकर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है ब्लैक कलर का, जिसके नाम पे इसे इंक कैप दिया गया है। अब कहता है इंक कैप इंडिकेटर, इंक कैप है क्या? कहता इंक कैप इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? आपकी कंपोस्ट अच्छी नहीं बनी, आपने कंपोस्ट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की है। सबसे पहले उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डाल दी। दूसरा, अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो एज अ अमोनिया प्रेजेंट है, कंप्लीटली नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बाउंड नहीं हुई। अगर इंक कैप ज्यादातर जितने भी बेड हैं इंक कैप बहुत फास्ट ग्रो करती है, बेड पे नजर आती है कहीं कहीं पे, तो आप उनको अभी जब तक ये ओपन नहीं होता आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, कंप्लीटली बेड पे नजर आएगी। उसके बाद इनकी फर्स्ट स्टेज पे ये ओवल शेप मशरूम की तरह डेवलप होता है, रफ सरफेस आप देख रहे हैं, ये रफ सरफेस है इसका, बहुत सारा इसका सारा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका सरफेस रफ है और आपको ये ओवल शेप एक अंडे के आकार में आपको ये बटन इसके नजर आते हैं। फिर जैसे ही ये कैप डेवलप करता है एक रैपिड बहुत विद इन 12 आवर ये कैप डेवलप करता है और कैप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्लैक स्पोर स्प्रेड कर देता है और यूजुअली ये फर्स्ट फ्लश से पहले ही सारा का सारा इंक कैप खत्म हो जाती है। बट इसमें मोस्टली जो आपकी नाइट्रोजन है, ये इसका हमें नुकसान क्या होता है भी, आपका मोस्टली जो नाइट्रोजन है वो इंक कैप तो यूज कर गई, यानी कि आपके न्यूट्रिएंट तो इंक कैप यूज कर जाती है, तो हैवी लॉस तो नहीं होता बट हाँ लॉस होता है। अब इंक कैप की जो प्रेजेंस है, मान लीजिए अगर आपके फार्म पे इंक कैप आ गई है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपके इसके बर्ड्स भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसे आपको एक उसका पाइलस भी नजर आ रहा है, क्लियर कैप शेप, तो ये आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर इंडिकेटर है। अब ये कहता क्या इंडिकेट करता है, मतलब भी आपकी नाइट्रोजन कंपाउंड इनसफिशियंटली कन्वर्टेड है, प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुए, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो प्रॉपर नहीं है, नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है।
आपकी कंपोस्ट, आपकी ओवरली कंपोस्टेड मटेरियल है, ओवर कंपोस्टेड है, नाइट्रोजन रेशियो ओवरली कंपोस्टेड है, टू वेट बहुत ज्यादा गीलो है, गीली है, या टू कॉम्पैक्टेड है कंपोस्ट, जब आपने फिलिंग की उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, या बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, या कंपोस्ट का टेम्परेचर जब आप फेज टू में फिल करते हैं और कंपोस्ट का टेम्परेचर राइज कर गया, क्लियर। सो बेसिकली कॉप्रिनस, अगर मैं दो शब्दों में कहूं, जहां पे अमोनिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट है या पीएच 8 के पास है, वहां पे आपको इंक कैप आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, पीएच 8 के पास और आपका फ्री अमोनिया, ये दो चीजें हैं जो आपको इंक कैप को इनवाइट करती हैं। अमोनिया 700 ppm, जब आप स्पॉनिंग करते हैं अमोनिया हमें कितना चाहिए, 10 ppm, क्लियर। बट अगर आपका 700 ppm से ज्यादा है तो आपकी इंक कैप प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, क्लियर। और जैसे जैसे फ्री अमोनिया रिलीज होता है, पीएच डिक्लाइन होना चाहता है, तो आपका मशरूम माइसीलियम ग्रो करना शुरू करेगा। मतलब यहाँ पे आपने कंपोस्ट तो प्रिपेयर की अगेरिकस बायोस्पोरस के लिए, कंपोस्ट को यूटिलाइज कर रही है कॉपीनस स्पीसीज यानी कि इंक कैप। जब इंक कैप का एटमॉस्फेयर, जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, मान लीजिए उसे फ्री अमोनिया चाहिए, मान लीजिए उसका पीएच 8 चाहिए, वो जब वो फ्री अमोनिया और पीएच अमोनिया कंज्यूम करता जाएगा तो पीएच ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जब वो पीएच नीचे आ जाएगा तो आपका माइसीलियम ग्रो करना शुरू करेगा। अब ये क्या करती है, ये अपना जितना भी स्पोर है, मच्योर इंक कैप अपने एटमोसफियर में रिलीज कर देती है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका बटन, ये बटन है उसका, आप इस बटन को उखाड़ के फेंक दो, नुकसान कम होगा। अगर बाई चांस ये इंक कैप ओपन हो गई ऐसे, क्लियर, इसका कैप ओपन हो गया, तो ये यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक कलर के आपको स्पोर्स मिल जाएंगे। आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ ब्लैकिश या ब्लूइश हो जाएंगे। कहता है अगर थोड़े से इंक कैप है तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं है, बट अगर कंपोस्ट में डिजायरेबल नाइट्रोजन कंटेंट और अमोनिया ज्यादा है तो ये धीरे 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 इंक कैप डिजीज पूरे कंपोस्ट में आपकी फैल जाती है, तो एक हैवी नुकसान आपको होगा। देन इंक कैप को कंट्रोल कैसे करें, सबसे पहले इसका एक ही इलाज है, प्रॉपर कंपोस्टिंग। आपको प्रॉपर कंपोस्टिंग करनी है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बैलेंस करना है, क्लियर, ताकि वेल बैलेंस आपका फॉर्मूला ऐसा हो भी आपकी कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो प्रॉपर हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल, प्रॉपर ब्रेकडाउन, क्लियर। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल, प्रॉपर ब्रेकडाउन। फिर उसके बाद जब आप फेज टू में फिलिंग करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब हर जगह आपको कंपोस्ट प्रॉपरली फिल करनी है। ये नहीं है कहीं पे आपने ज्यादा कर दी, कहीं पे कम कर दिया, तो वहां पे प्रॉपर अमोनिया कन्वर्जन नहीं होता। जो अमोनिया, जब आप ये हमेशा ध्यान रखें, जब आप स्पॉनिंग कर रहे हैं उस वक्त अमोनिया नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आपके फेज टू में अमोनिया है, या लॉन्ग मेथड में आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं और वहां पे अमोनिया है, तो आप उसकी एक टर्निंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर वो फेज टू में है तो उसको आप 1-2 दिन और रख सकते हैं ताकि उसमें अमोनिया रिलीज हो जाए, क्लियर। बट एक बार आपने फेस टू से बाहर निकाल दिया तो इंक कैप को रोकना मुश्किल है। यहाँ पे हम केमिकल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे से ही आपके कंपोस्टिंग से ही आपको जो इन्फेक्शन है वो आएगी। अगर ये रूम में आती तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं केमिकली, बट ये कंपोस्टिंग से ही आ रही है, तो इसको कंट्रोल केमिकली करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर ये आपके फार्म पे आ गई है तो जितने भी आप छोटे छोटे इसके बटन बनते हैं उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप इसके बटन को और बटन मशरूम के बटन को डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। बटन मशरूम का बटन स्मूथ होता है, इसका सरफेस रफ होता है, और इनके कलर में भी फर्क होता है, ये थोड़ा क्रीमिश होता है और वो प्रॉपर व्हाइट कलर का होता है। आप इजीली इनको निकाल के फेंक सकते हैं और इसको, इनको यानी कि नष्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ओपन हो गए और इनके स्पोर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए तो ये बीमारी और फैलेगी, क्लियर। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है आपको, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।